कभी कभी बेटा स्तंभन होता है, कभी कभी और कारण होते हैं। तो अगर स्तंभन वाली बात है तो पहला अपाय दोस्त तो सबके साथ रहेगा, जो सबसे पहले मैंने बताया था कि काली मिर्च वाला उपाय, ऐसा कह सकता हूँ। तो उसके पश्चात फिर लगता है आपको कि शादी की स्थिति हो गई, शादी नहीं हो पा रही, स्तंभन की बात है, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा हमें ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। पहले नंबर पे हमें देखना पड़ेगा कि आपके वर्षफल में इस साल शादी का योग है कि नहीं है। कभी कभी कुंडली से कन्नुप्रिया नहीं पता चलता है, जन्म कुंडली से जब हम एनुअल चार्ट बनाते हैं तो उससे पता चल जाता है। तो एनुअल चार्ट की अब प्रचलन थोड़ा कम हो गया, पर एनुअल चार्ट जो है वो दक्ष है हमें सब कुछ बताने में। जो हमारे अहम डिसीजन हैं वो हमारे वर्षफल से पता चल जाते हैं। वो वर्षफल आप जानते हैं कि आपके जन्मदिन से शुरू होता है, तो जन्मदिन से पहले एक महीना बनवाएं, ताकि अगर जिस दिन आपके नए ग्रह चेंज हो रहे हैं उस दिन कोई उपाय वगैरह हैं तो किए जा सकें। और जन्म कुंडली में सेवंथ हाउस जो है, सेवंथ हाउस को जरूर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कभी कभी सेवंथ हाउस है कमज़ोर होता है, त्रिक हाउस में चला जाता है, सिक्स्थ में चला गया, एट्थ में चला गया, ट्वेल्थ में चला गया, तो भी शादी की दिक्कतें आती हैं। तो सेवंथ हाउस का लॉर्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो, अगर लड़की की कुंडली है तो उसका जुपिटर हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लड़के की कुंडली है तो उसका शुक्र हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शुक्र वाइफ होता है और बृहस्पति जो है वो पति होता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने के पश्चात नवांश कुंडली का जरूर दोस्तों विचार करें। आप कभी किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो उनको अपनी नवांश कुंडली देखने के लिए जरूर कहें। नवांश कुंडली से मैरिड लाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड कैसे होंगे, कैसी मैरिड लाइफ हो सकती है, कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, और जो आपकी कमियां हैं वो आप में पति में ना हों। अगर आप बहुत गुस्से वाली हैं तो पति थोड़ा झुकने वाले हों, अगर पति बहुत स्ट्रांग हैं तो पत्नी झुकने वाली हो। दोनों ही तलवार लेके बैठे हैं तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। इसलिए नवांश कुंडली जो बताती है कि कैसा पति ढूंढें। लोग पूछते हैं कि किस दिशा में मिलेगा, किस शहर में मिलेगा, तो ऐसा आज के युग में पता लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हो सकता है वो पैदा जहाँ हुआ हो चला किसी दूसरी दिशा में गया हो, जब आप ढूंढने जाएं तो किसी तीसरी दिशा में चला गया हो, फास्ट लाइफ हो गई। तो आप किस तरह का पति चाहिए होगा या किस तरह का कौन से ग्रहों वाला चाहिए, वो नवांश कुंडली बताएगी। सेवंथ हाउस से संबंधित आप स्टोन्स पहन लें, ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से ही पूछना पड़ेगा। इसके पश्चात फिर दो उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को करें। इससे पहले ये सर स्वामी जी नवांश का भी सातवां घर देखें। नवांश का भी सातवां घर देखें। नवांश कुंडली है ही बेटा शादी के लिए। आप देखो अभी तो कंप्यूटर से हॉरोस्कोप बनती हैं तो बनी होती हैं पूरी, पुराने पहले भी बनी होती थी, पर उसको देखते कम लोग हैं। हम जन्म कुंडली देखते हैं, ज्योतिषी भी व्यस्त हैं और आप लोग भी व्यस्त हो, तो कभी कभी आपने फैसला किया ही होता है कि जहाँ करना नहीं करना, ऐसे हम चले जाते हैं। तो हमें नवांश कुंडली का जो है वो हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। इवन कोई आप पार्टनरशिप करने लगे हैं कोई बड़े लेवल पे, तो भी नवांश कुंडली हमें बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दे जाती है। इसके पश्चात दोस्तों दो उपाय हैं जो शादी के लिए आपको करने चाहिए। इसमें एक छोटा सा, जैसे हम बात कर रहे थे वनस्पति तंत्र की, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहे हैं, जे तंत्र से भी संबंधित है, मंत्र से भी संबंधित है, और कोई भी प्रयोग हो, किसी भी तरह का प्रयोग हो उसमें मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को, या ऐसा कह लें कि अमावस्या के पश्चात, जो गुरुवार बृहस्पतिवार थर्सडे वीरवार आता है, उस दिन आपको कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी हैं, जैसे 7 हल्दी की गांठें, 7 गुड़ के पीस ले लें, 7 सुपारी ले लें, 7 लौंग ले लें, 7 इलायची ले लें। और आप देखते होंगे कभी कभी डॉलर या क्वार्टर येलो कलर के मिल जाते हैं, गोल्डन जैसे, तो 7 वो ले लें। उसके बीच एक
पंच दिशा छोटा जंतर रख लें या भोजपत्र के ऊपर लिख करके रख लें। उन सभी चीजों को इकट्ठा करके पीले कपड़े में बांध करके थोड़ी सी चने की दाल अंदर रखें और थोड़े शोहारे रख दें। शोहारे को खारक बोलते हैं गुजराती में, तो हिंदी में शोहारा ही बोलते हैं, जैसे ड्राई खजूर होती जैसे, ऐसा कह सकते हो। तो उनको रखने के पश्चात पीले कपड़े में बांध करके किसी पीतल के डिब्बे में रख दें। लड़की का पिता रख दे, लड़की का भाई रख दे, जहाँ कोई पवित्र दोस्त भाई जैसा वो रख दे, तो उनको टच नहीं करे कोई, ना उससे कोई छेड़छाड़ करें। तो लगभग 27 थर्सडे तक जो है कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आने की बात, अच्छी शादी की स्थिति हो जाती है। तो आप चलते रहें, ड्यूटी पूरी होती रहे, माँ कृपा करे, बहुत शक्ति कृपा करे।